हे माय यूट्यूब फैमिली, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज का ब्लॉग में क्या है, मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो दिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ हमें आप सभी की सच में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। बस जिस तरीके से आपने हर एक हाउस वाइफ को सपोर्ट किए हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए। आप सभी की हमें सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुबह का मॉर्निंग का वक्त हो चुका है और आहिल को हमने अभी अभी स्कूल भेजा, और स्कूल जाने के बाद तो जानती ही हैं कि किचन का क्या हाल होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आटा सानी जल्दी से आहिल को बना के दी है, और इसमें हमने आलू का भुजिया बनाया आहिल के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं, और आहिल तो बिल्कुल ही नहीं, वो जैसे ब्रेड जाम, ब्रेड तले भुने, वो सब उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। वो एक रोटी ही खा लेगा, एक आलू से वही काफ़ी है उसके लिए। तो हमने सोचा चलो जो बच्चे को पसंद है वही देना चाहिए। जैसे उसको भी अभी सोचते हैं कि कभी पास्ता दे दे, कभी मैगी, तो ये सब इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं, वैसे खाना भी नहीं चाहिए बच्चों को। और मेरी तबीयत कुछ दो तीन दिन से सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने कल का ब्लॉग नहीं डाला और नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी। आज थोड़ी सी ठीक है, अभी दवा खा रही हूँ मैं, तो इसके लिए कभी कभी सोचते हैं कि आहिल को हलवा पूरी दे, ये सब तो बनाते भी है, लेकिन वो उतना शौक़ से नहीं खा पाता है। मतलब एक होता है ना ज़बरदस्ती, तो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, जो उसको पसंद हो खाने में वही देना चाहिए, और वो खुद शौक़ से खा ले। एक ही रोटी खाए, अच्छे से खाए, ये ना कि कितने देखते हैं कितने लेडीज़ होती हैं जो नहीं खा पाते हैं, बच्चे उसे ठूस ठूस के खिलाती हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं और वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं खाने को लेकर, कोई भी चीज़ आता है तो नहीं नहीं करके रोने लगते हैं। तो वही हाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए ये किचन का क्या हाल हुआ है। तो मैंने जल्दी से समझिए और ये बनाकर और इसमें दूध थोड़ा सा गर्म करके उसको खिला दिए, तो मैं चलती हूँ जल्दी से इसे क्लीन करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपकी सुबह मॉर्निंग कैसे होती है आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। जिनके बच्चे हैं वो तो बच्चे की सुबह अच्छी करती होंगी, और जिन जिसको अभी बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं, हो जाएंगे, सबके तो होने ही है। तो उसके बाद उनका सुबह कैसे होता है मॉर्निंग का, तो हमें ज़रूर बताइएगा। पहले तो मेरे बेबाबू नहीं था, तो पहले थोड़ा सा उठ के बात करती थी, ये करती थी, लेकिन मैंने भी सोचा है कि फिर से मैं वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो मैं स्टार्ट करूँगी, तो हम आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं जल्दी ही सोच रही हूँ क्योंकि आए इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, पहले जुकाम हो रहा है, सीजन ऐसा हुआ है ना, पहले जुकाम हो रहा है, जुकाम का इतना ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन लेना पड़ जा रहा है। मेडिसिन लेने के बाद सुबह एक ही मेडिसिन लिए थे, एक ही टाइप, उसके बाद देखिए हम सुबह खांसी हो गया। उसके बाद चलते हैं ये सब सामान का इकट्ठा करते हैं, उसके बाद किचन और हॉल की सफाई करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। Thank you.
देखिए आप लोगों के पास आ गए। इधर का पूरा स्लैब मैंने किचन का सफाई कर दी है अच्छे से। और देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरे स्लैब की सफाई कर दी मैंने। और ये आटा गूंथ रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैब कर दी। ऐसे तो रात में ही सब करके सोते हैं हम लोग, तो इस वक्त सुबह में थोड़ा सा लंच बनाने में जल्दी जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा तो लंबा होता है ना, तो सुनते हम लोग साफ करते हैं। और वैसे भी लंच भी नहीं बनाओ तो एक बार आने के बाद एक बार तो सारे सिलाफ ही, रात में चूहे वगैरह चाहे कुछ भी कीड़े मकोड़े अगर चले तो एक बार तो क्लीन कर ही देना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद हाथ लगा दें नीचे, फर्श गंदा हो गया, हॉल गंदा हो गया, उसके बाद क्या सब्जी बनेगा वो चाहिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम झाड़ू लेके आते हैं, वो आपको दिखाते हैं। वो वाले झाड़ू जो है वो ख़राब हो चुके हैं थोड़ा, और इससे क्या होता है ना इससे अच्छी सफाई हो जाती है, सफाई करने में बहुत मज़ा आता है। इतने बड़े हैं ना, दूर दूर तक का कचरे को निकाल देते हैं। आप लोग देखिए इस तरीके से हम सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं। उसके बाद मैंने सारे किचन और सारे ये देखे हॉल की सफाई की, आसरा भी चुकी है, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो वो स्कूल नहीं गई है आज। और ये सारे चेयर को हमने इस तरीके से फैलाया है, और उसके बाद हम उसे सेटिंग कर देंगे। उसके बाद मेरे हाथ जो है बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया ड्रेसिंग के पास अपना हाथ को धोने, खाली दिया गई है। नाश्ते में आप लोग देखिए हजरत भैया को हम चाय बना के दे दिए हैं। कैसा है चाय? चाय ठीक है, ठीक है, पीजिए। और यहाँ पे भाभी अभी उठ चुकी है, और यहाँ पे हमने टमाटर और ये प्याज कटा हुआ है, और ये दूध बॉयल हुआ है, और कुछ सब्जी नहीं था तो हमने आलू बॉयल करके आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पे हमने चाय अभी बनाया है, तो भाभी गई है हमें फ्रेश होने, और यहाँ पे सारे दूध जो है हमने गर्म करके रख दिया है। उसके बाद इस सब्जी को भाभी बोली है कि हम बना देंगे, आप रहने दीजिए। और ठीक है, हम दोनों देवरानी और जेठानी मिल के काम कर लेते हैं, और भी घर के लोग हैं वो लोग भी हेल्प कर देते हैं। और बाजी आज सोई है क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको उठाते हैं और उनको भी हम चाय और बिस्किट दे देते हैं खाने के लिए। एक कप तो चाय हो ही जाएगा, अगर कम पड़ेगा तो। मैं यहाँ पे दूध का पैकेट जो है रखी हूँ, यहाँ पे मिल्क ज़्यादा मिलता है सुधा का, और बिहार में और बाहर में जैसे दिल्ली वगैरह में काफ़ी, मतलब हर जगह अलग अलग पैकेट्स आते हैं दूध के। आपके यहाँ कौन सा आता है हमें ज़रूर पता ही। देखिए भाभी भी आ गई हैं, सबको यहाँ पर आलू जो है बॉयल हो चुका है, दोपहर के लिए कट करके रखा गया है। मैं आप देखिए चाय जो है बॉयलिंग चल रहा है, क्योंकि अब हम लोग पहले चाय पीएंगे। यहाँ पे सोयाबीन फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्जी के लिए मसाले भाभी ने रेडी कर दिया है,
और हम छील दिए हैं आलू कोच में दोबारा। हाँ ये देखिए चाय, ओ शिट 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 शिट, इधर बात सुनने के चक्कर में चाय के लिए। आप लोग के भी साथ होता है ना ऐसा, ज़रूर बताइए। आप लोग देख सकते हैं आलू का भुजिया जो छूर वाला है रेडी हो चुका है, और ये सोयाबीन आलू का सब्जी रेडी हो चुका है, और यहाँ पर रोटी भी जिनके लिए हमने बनाया है उनको देने जा रहे हैं। आप लोग देखिए वो कहाँ हैं, तो वो अभी आ रहे हैं, बोले हैं टेबल पर रखने के लिए, तो टेबल पर रख दिया दोस्तों। उसके बाद उनको हम पानी दे दें। ये देखिए हमारे घर में छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं जो आ चुके हैं, और इनको हमने दिया है रोटी खाने के लिए, तो वो लोग लगे हुए हैं रोटी खाने में। तो देखिए कितने क्यूट क्यूट है। तुमको नहीं खाना, हाँ जाओ खाओ। माँ अपनी माँ को ढूंढ रहा है, इसकी माँ गई है खाने के लिए। यहाँ पे चाय जो हम लेके आ गए हैं, मेरा है, बाजी का है, बाजी चाय नहीं पीती है तो थोड़ा सा उसके लिए है, और भाभी का है और मेरा है, तो हम लोग अब खाएंगे चाय बिस्किट। भाभी ला रही हूँ बिस्किट किचन से, अब चाय बिस्किट खाने, उसके बाद हम जाएंगे फ्रेश होने नहाने, क्योंकि मुझे तवा खाना है खांसी का, तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, अभी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रहा था बहुत मुश्किल से, मैंने वीडियो बनाई है शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत गले में दर्द है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो यहाँ पर चाय आ चुका है, भाभी जो है बिस्किट ला दी, हम लोग खाएँगे अब चाय बिस्किट। भाजी तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ। हेलो गाइस, तो चाय बिस्किट खा चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, और हमने खा लिए बस में जा रहे किचन में क्लीन करके। उसके बाद मैंने खांसी की सिरप पी ली, ये वाली बहुत गले में दर्द हो रहा था, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आप लोगों की दुआ से। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि अभी रोटी बनाना है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश हो जाऊँ आइल को आने से पहले, देखते हैं क्या करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमें उत्साहित मिले, हम आप सभी के लिए मेहनत और करें, मेहनत कर रहे हैं और करें। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो अब देखिए फाइनली हम लोगों ने नाश्ते में सब्जी वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और देखिए हम मिल रहे हैं और नाजा सीख रही है, और नाजा इतना जल्दी जल्दी सीख रही है कि हम तो मिल मिल के रखे जा रहे हैं, और वो फटाफट सीखते रहिए। और गर्मी में सारे काम कर लो, लेकिन रोटी बनाने में तो भाई हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें यार, बनाना तो पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो कैसे हो, सब लोग खाएँगे क्या। और हमारे घर में काफ़ी मेम्बर है, तो काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ बनती है, इसलिए हम लोग जो तवे पे रोटियाँ बनाते हैं, उसके बाद जो तवे चले हुए नजर सीख रही है, और खाने में भी हम लोग दाल बना दिए, सब चीज़ बन चुका है, सिर्फ चावल बनेगा, तो चावल प्लेट से हम लोग बनाते हैं, कभी हम चढ़ा दिए, मैं चढ़ा दी, भाभी चढ़ा दी, कोई भी चावल चढ़ा देता है, तो उसके पास सारा काम हो जाता है। तो अभी कुछ लोग खाने आए हुए हैं, और अभी कुछ लोग नहीं खाए हुए हैं, तो मेरा भी चाय बिस्किट हल्दी खा लिए हैं और दवा खा लिए, थोड़ा सा अब गले में ठीक लग रहा है, क्योंकि इतनी खांसी लगी थी मैं सुबह में, बता नहीं सकता। तो देखिए फाइनली हमारा जो है रोटी जो है आधा बन चुका है, अभी आधा फिर भी बनाना है, अभी इतने सारे आटे हैं, इतने सारे रोटियाँ जो है आप लोग खाते हैं, इतनी सारे जो रोटियाँ हैं, और नीचे में गर्म है बन चुका है। उसके बाद अब हम डायरेक्ट हम लोग जाएंगे पहले ऊपर, ऊपर रूम की सफाई करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद ही नाश्ता करेंगे, इतनी गर्मी हो रही है, ये सारे देखिए पसीने जो निकल रहे हैं साइड से, बैग में भी पसीने आ रहे हैं, और नाजदा देखिए हंस रही है, बोल नहीं रही है कुछ, नाजदा बोलती है आपका कोई वीडियो देखता ही नहीं है, सच में यार आप लोग देखिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, कम से कम नाजदा को पढ़ के तो सुनाए या उसे दिखाए, तो ये नाजदा हमारे साथ
हमेशा रहती है, मतलब सुबह से लेके रात, मतलब कंटिन्यू है हमारे यहाँ, और हम लोग की हेल्प करती है और हम लोग भी हेल्प करते हैं। नज़दा बोलो, एकदम सीरियस में है, स्माइल पास किए जा रही है। आप लोग देख सकते हैं इसका चीक, हंसने की वजह से इसका चीक जो है लमर लमर के दिख रहा है पीछे से। और देखिए एकदम कस के फट्टा वगैरह कस लिए है, एकदम लगी हुई है भाई हार्ड वर्क रोटी बनाना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको हमेशा बोलते हैं और बोलेंगे। हमारे फैमिली मेम्बर बनिए और अपने फैमिली का हिस्सा मुझे भी बनाइए। हमारे वीडियो को अपने फैमिली और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। ये बल्ब है ना मेरे सर के ऊपर, ये देखिए ऐसे कर रहे हैं तो ये लाइट जो है आ जा रहा है सर पे। तो चलिए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करते हैं। चुकी हो ऊपर मतलब छत पे, और यहाँ पर मैंने लिया है रिल आला और एरियल शर्ट, क्योंकि ऊपर आहिर का स्कूल ड्रेस धोना है और रूम की सफाई करनी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मॉर्निंग इतना हमने सुबह उठ के चले गए थे, और सारे सामान जो है सिंपल है, ड्रेस धोना है और इधर सब, तो इसे क्लीन करती हूँ। ऊपर आने के बाद ना यार थक जाता है मन, आवाज़ भी क्लियर नहीं निकल पाता। और आज मैं इयरिंग पहनूँगी, कौन सी पहनूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना फेस। ओह ये काम क्यों होता है यार, शादी से पहले तो हम लोग को इतना काम नहीं करना पड़ता था, बच्चे होने के बाद तो और काम बढ़ गया है। बहुत टेंशन है टेंशन। आप लोग को क्या लगता है पहले की लाइफ अच्छी थी या अभी की? कुछ नहीं कह सकता, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास है वो भी परेशान। हाँ मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, मतलब थोड़ी सी लेट के, उसके बाद मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, ये क्लीन करूंगी और नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि क्लीन कैसे कर लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और क्या कहूँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों से। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने में और अपने रिश्तेदारों में। तो चलिए सबसे पहले मैं ना आहिल का ड्रेस धो देती हूँ, क्योंकि एक ड्रेस पहन के गया है तो एक ड्रेस धोया रहेगा तो कल पहन के जा पाएगा, नहीं तो मेरे बेटे को दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए आहिल का ये जो ड्रेस है मैं धोने जा रही हूँ, पहले वाइट वाली डालूँगी इसमें आला लगाकर, क्योंकि साफ़ हो जाएगा प्लेन। तो मेरा वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं क्या, तो ज़रूर देखिए यार प्लीज़। बाय बाय, मिलते हैं आने के बाद। गाइस तो फाइनली हम नहा चुके हैं, और ये देखिए मेरा रूम भी काफ़ी क्लीन हो चुका है, हर चीज़ को मैंने जगह जगह पे रख दिया, और अब मेरा जो भी है सारा काम मैंने हो चुका है, और टाइम हो गया है 11 बजने वाला है। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट, बाल को ये करूँगी क्लीन करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। फ्रेंड्स आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ही बाल जो है ना झड़ रहे हैं, तो मैंने आज ये वाला कपड़ा पहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वही कॉटन का सही होता है, इसमें फेस भी आप आराम से पोंछ सकते हो और कुछ भी, तो वो सब ऐसे। तो मेरे पास यही एक है अभी, ली नहीं हूँ, एक और लूँगी क्योंकि दो रहेगा तो सही रहेगा। उसके बाद मैंने धो लिया है यहाँ पे बाल, मैं थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, आपको भी पता है। यहाँ पे हम नहा चुके हैं और बाल जो है बिल्कुल अभी भींगा हुआ है, क्योंकि अभी अभी नहा के आए हैं। उसके बाद हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद अगले ब्लॉग में क्या की। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ख़ुद का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो खुद का भी ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज़रूर आप प्यार दीजिए, हमें आप सभी के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।